दोस्तों, आपने डेली इस्तेमाल की जाने वाली इन वस्तुओं पर प्रमाणीकरण के ये निशान जरूर देखे होंगे, जैसे कि कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए ISI मार्क, सोने के आभूषणों के लिए BIS हॉल मार्क आदि। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या होते हैं और क्यों लगे होते हैं? दरअसल भारत सरकार द्वारा अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग मानक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे जनता को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण अच्छे उत्पाद मिल सकें। नॉलेज अराउंड हिंदी के आज के इस एपिसोड में जानते हैं इन्हीं चिन्हों के बारे में। नंबर एक, एग मार्क। एग मार्क भारत में कृषि उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है। यह चिन्ह इस बात का आश्वासन देता है कि यह उत्पाद भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप है। एग मार्क मानक वनस्पति तेल, दालें, अनाज, फल सब्जी और अर्ध प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सेंट्रल एग मार्क लैब नागपुर में स्थित है। इसके अलावा देश के 11 नोडल शहरों जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, कोच्ची, गुंटूर, अमृतसर, जयपुर, राजकोट और भोपाल में राज्य के स्वामित्व वाली एग मार्क प्रयोगशालाएं हैं। नंबर दो पर है ISI मार्क। ISI मार्क भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है। यह चिन्ह बताता है कि उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड PIS द्वारा जारी किया गया है। यह चिन्ह लगाना अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों है। आइए अब आपको बताते हैं ऐसे उत्पाद जिन पर ISI मार्क लगा होना बहुत जरूरी है। ये हैं सभी बिजली के उपकरण, चिकित्सा उपकरण, स्टील उत्पाद, स्टेनलेस स्टील, रसायन और रासायनिक पदार्थ, उर्वरक यानी कि खाद, सीमेंट, LPG सिलेंडर, बैटरी और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। नंबर तीन, BIS हॉलमार्क। BIS हॉलमार्क एक मार्किंग सिस्टम है जो सोने के गहनों और सोने के सिक्कों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह चिन्ह सन 2000 में सोने से बने आभूषणों के लिए और सन 2005 में चांदी के गहनों के लिए जरूरी किया गया था। तो दोस्तों, अगली बार सोने के गहने खरीदने से पहले BIS हॉलमार्क के मोहर की जाँच अवश्य करना, वरना आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। नंबर चार पर है FEO मार्क। भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों पर FPO मार्क का होना अनिवार्य है। प्रसंस्कृत फल यानी कि प्रोसेस्ड फ्रूट्स उन फलों को कहते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल नहीं होते, जैसे कि फ्रूट जैम्स, पैकेज्ड फ्रूट्स पेय पदार्थ, क्रश, स्क्वैश, अचार, ड्राई फ्रूट्स उत्पाद और फलों के अर्घ आदि। FPO मार्क गारंटी देता है कि खाद्य उत्पाद एक स्वच्छ खाद्य सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है और खाने के लिए उपयुक्त है। तो अगली बार जब भी आप प्रोसेस्ड फूड उत्पाद खरीदें तो FPO मार्क को जरूर देखें। नंबर पाँच पर है ग्रीन और ब्राउन डॉट। दोस्तों, आपने हरे रंग के और रेड या ब्राउन रंग के इन चिन्हों को जरूर देखा होगा। पार्ले जी के पैकेट पर बने इस हरे गोले का मतलब यह नहीं है कि पार्ले जी ऑनलाइन बैठे हैं। इस हरे डॉट का मतलब यह है कि यह खाद्य पदार्थ शाकाहारी उत्पाद है। इसी प्रकार से ब्राउन डॉट के प्रतीक का इस्तेमाल मांसाहारी उत्पादों के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि ग्रीन और ब्राउन डॉट के प्रतीक का इस्तेमाल करना डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के लिए अनिवार्य है, ताकि इसको खरीद कर खाने वाला व्यक्ति यह जान सके कि वो जो खा रहा है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। नंबर छह पर है इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। भारत में बेचे जाने वाले कीटनाशकों के कंटेनर पर विषाक्तता यानी कि जहरीलेपन का लेवल अनिवार्य है। कीटनाशक पदार्थों के जहरीलेपन के स्तर को चार स्तरों में पहचाना जा सकता है। यह सर्टिफिकेशन आपको भरोसा दिलाता है कि उत्पाद या उत्पाद में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल बिना किसी रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या हार्मोन का उपयोग किए हुए जैविक खेती के माध्यम से उगाया गया है। नंबर सात पर है ECO मार्क। ECO मार्क BIS द्वारा उन उत्पादों को जारी किया जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र पर कम से कम प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से मानकों के एक सेट के अनुरूप होते हैं। इन सात सर्टिफिकेशंस के अलावा भी भारत में कुछ और भी गैर वैधानिक प्रमाणीकरण चिन्ह हैं जो भारत सरकार या अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रमाण पत्र देश में कोई कानूनी स्थिति नहीं रखते हैं। ऐसे प्रमाण पत्रों के उदाहरण निम्न हैं। नंबर एक, रेशम का निशान। यह सर्टिफिकेशन प्रमाणित करता है कि कपड़े का टुकड़ा शुद्ध रेशम का है, जो कि सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नंबर दो, हर्बल उत्पादों के लिए आयुष मार्क या आयुष उत्पाद प्रमाणन, जो कि आयुष विभाग द्वारा दिया जाता है। नंबर तीन, दार्जिलिंग चाय सर्टिफिकेशन मार्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के दार्जिलिंग में चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं। यहाँ की चाय दुनिया भर में प्रसिद्ध है,
इसी को ध्यान में रखते हुए दार्जिलिंग में उत्पादित चाय के लिए यह भौगोलिक संकेत चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब से जब भी आप कोई सामान बाजार से खरीदें तो ऊपर बताए गए चिन्हों को जरूर चेक कर लें। ऐसा करने से आपको अच्छा सामान मिलेगा और आप जालसाजी यानी कि फ्रॉड से बचे रहेंगे। अपनी फैमिली और दोस्तों को फ्रॉड से बचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। देखते रहिए नॉलेज अराउंड हिंदी। धन्यवाद।